वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शाइन विद कीर्तु। हमारा दोपहर का जो काम है सारा ख़त्म हो चुका है, खाना वगैरह भी हमारा हो गया है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए और उनको आना है, अब 2 बज चुके हैं दोपहर के, जो कि हमें जाना है मार्केट। और उनका फ़ोन भी आ गया है कि आप दोनों रेडी होकर के नीचे आ जाओ, क्योंकि मुझे कुछ सामान रिटर्न करना है और कुछ सामान लेना भी है घर का, जो कि मैं कल लेकर के आई थी। अब घर आके जब वो ट्राई किया तो छोटा पड़ गया कुछ, और कुछ चीज़ें पसंद भी नहीं आई। घर आके ऐसा ही होता है, तो वो चीज़ें हमें रिटर्न करनी है, तो इसलिए मुझे जाना है मार्केट। दोपहर का टाइम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, गाड़ी से जाएंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर क्योंकि उनको शाम को कुछ काम है तो उनके पास शाम का टाइम नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि अभी आ जाओ, फिर मैं अभी रिटर्न करा के मैं अभी छोड़ दूँगा घर पर। तो इसलिए हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। जैसा भी ब्लॉग होगा आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए लेकर के चलते हैं आप लोगों को भी, दिखाते हैं यहाँ की मार्केट कैसी है। खाने में दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है, मेरी बनवाना देंगे, मेरी साड़ी बन जाएगी। दोपहर में लेके जा रहा है इसको घर में। इधर हम पहुंच गए हैं मार्केट में। मैं गाड़ी में ही बैठी थी क्योंकि जहाँ पे ये दोनों बाप बेटे गए थे वहाँ पे मेरा कोई काम नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। और इधर ये दोनों अपना काम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर में ही इनको टाइम मिल पा रहा था, शाम को इन्हें कहीं जाना था, तो इन्होंने बोला कि मैं अभी आप लोगों को मैं सामान वगैरह दिलवा देता हूँ, क्योंकि मुझे शाम को टाइम नहीं मिल पाएगा, शाम को मैं लेट सिटी घर पहुँचूँगा। तो इसलिए हम फिर दोपहर में ही निकल गए थे। और आप लोग देख ही सकते हैं मार्केट में भी दोपहर यहाँ पर ना ये है कि 8:30 के करीब यह मार्केट बंद हो जाती है, और इस टाइम पे भी खूब भीड़ थी बाज़ार में। और यहाँ पे हिमांशु को अपना को सामान लेना था स्कूल का, जो कि उसे अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना जब मार्केट आए हैं तो मैंने बोला कि चल तू भी अपना सामान जो भी तुझे लेना है वो अपना ख़त्म कर ले। तो वही मैं और हिमांशु यहाँ पर अपना सामान ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर दुकानों की अभी हमें नॉलेज नहीं है, जो दिखती है वहीं पर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ यहाँ पर नया है, इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमें यहाँ ऑन रोड ही एक दुकान दिखी थी, जो कि फिर मैंने हिमांशु को बोला कि चल हिमांशु यहीं से ले ले जो भी तुझे सारा सामान चाहिए, क्योंकि उसको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करने हैं अपने होमवर्क के लिए। क्यों, और हमें लग रहा था कि वहाँ पे जो हमें होमवर्क मिला था दिल्ली में हिमांशु को, वो यहाँ पे यूज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ के पता चला कि वो ही होमवर्क यहाँ पे यूज में आ जाएगा, जो वहाँ से मिला है वहीं से हमारी हिमांशु की यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपना सामान ले लिया है। और मैंने यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करके हस्बैंड को बोला था कि प्लीज़ मेरी वीडियो बना दो, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट से उन्होंने मेरी वीडियो बना ही ली थी। इसके बाद में फिर हम निकल गए हैं, हमें जो भी सामान लेना था, हमें थोड़ा और भी कुछ सामान लेना है, तो हम यहाँ पे अपना मार्केट का काम खत्म कर लेते हैं। छोटी छोटी कुर्सी का तो टाइम था, मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए चावल वगैरह बना करके गई थी। इन्होंने बोला था कि मुझे दोपहर में चावल खाने हैं, तो अपना खा रहे हैं, और खाने के बाद में फिर इनको निकलना है मार्केट में। और इधर अपना हिमांशु देख रहा है कि मुझे क्या क्या होमवर्क तैयार करना है, क्योंकि उसका होमवर्क भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आ गए हैं मार्केट से और हमें छोड़ दिया इसके पापा ने, वो चले गए हैं अपना खाना वाना करके। और काफ़ी टाइम लग गया हमें, 4 बज चुके हैं, 1-2 घंटे तो लगी गए हमें मार्केट में। और जो जो चीज़ें हमें ले हिमांशु के लिए भी हमें सैंडल लेने थे, है ना, हिमांशु की पसंद के भी आ चुके हैं, और जो मुझे सामान रिटर्न करना था वो भी मैंने रिटर्न कर दिया है। जो शाम का काम था वो हमारा ख़त्म हो गया है। हिमांशु जाएगा खेलने के लिए, क्योंकि इसका 5 बजे का इसके दोस्त बन गए हैं यहाँ पे, तो इसका है पार्क जाता है खेलने के लिए,
फिर आता है 7:30 के करीब, तो इसका भी मन लग जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे इतनी जल्दी आए थे जैसे कि हिमांशु का मन लग जाए जून के महीने में, नहीं तो हम जुलाई में आते तो इसके लिए भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती क्योंकि नई जगह है, हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, एक हफ्ता लग गया यहाँ पे सब कुछ समझने में। तो इसलिए हिमांशु का भी मन लग गया, हिमांशु जा रहा है खेलने के लिए, इसका खेलने का टाइम हो गया है। और आज की वीडियो शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हिमांशु बाय कर दें।